हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? भाई दोस्तों, डिस्कस करते हैं कल जो मैंने आपको ट्रेड्स दी थी। कल जो मैंने आपको पहली ट्रेड दी थी वो थी MGL। इसका बाय मैंने आपको दिया था 1170 पे। इसका आज का हाई है ऑलमोस्ट 1183। काफी लोगों ने इस पे आज अच्छे प्रॉफिट्स भी बनाए हैं, बट टेक्निकली आपको ये ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि ये गैप अप ओपन हुई थी। ये सेम चीज मैं आपको आज चार्ट पे भी समझाऊंगा। इनफैक्ट कल की जो ट्रेड जोन में MGL ली है। दूसरी ट्रेड मैंने आपको दी थी एक्साइड। इसका बाय मैंने आपको दिया था 183.8 पे। इसने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसका आज का ही है 185.7। थर्ड ट्रेड मैंने आपको दी थी चोला फेन। इसका बाय मैंने आपको दिया था 521 पे। इसमें अभी थोड़ी सी करेक्शन आ गई है, पर ये टेक्निकली अभी भी बुलिश है अगर आपके पास आप इस पे बने रहिए। फोर्थ ट्रेड मैंने आपको दी थी मैस फेन। इसके अंदर आज बैंक प्राइस आया नहीं तो इसके अंदर हम एंट्री कर नहीं पाए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट चार्ट है। इसमें इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट है वह 15,726 पे। उसके बाद जो सपोर्ट है वह 15,675 पे। इसमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 15,773 पे, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 15,833 पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देख सकते हैं निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई थी। उसका सारा दिन निफ्टी ने लोअर हाइज और लोअर लोज बनाए हैं। लोअर हाइज और लोअर लोज, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर हाइज और लोअर लोज बने, और इसमें अच्छी खासी आज करेक्शन आ गई। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो निफ्टी एक पीछे से अप ट्रेंड में, एक बुलिश है निफ्टी, तो इसके अंदर हम अभी भी शॉर्ट प्रेफर नहीं करेंगे। और जनरली इतनी बड़ी रैली के बाद एक थोड़ी सी इसमें रिकवरी जरूर आएगी। हो सकता है उसके बाद ही थोड़ी और करेक्शन मोड पे आ जाए, पर अभी इसमें एक छोटी सी पॉसिबिलिटी जरूर है इसमें अप ट्रेंड की, क्योंकि यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं इसने हायर हाइज एंड हायर लोज बनाए हैं। हायर हाइज एंड हायर लोज एक स्ट्रेंथ का साइन है। तो कल अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है 15,726 का, तो मैं वापस से रीटेस्ट होगा 15,726 का, उसके बाद निफ्टी ऊपर जानी शुरू होगी, तब हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 15,738। और इसमें जो हमारा टेक प्रॉफिट का लेवल होगा होगा 15,767। तो फ्रेंड्स, इन लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा और रीटेस्ट का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है, जिसमें इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 35,245 पे। उसके बाद जो सपोर्ट है 35,107 पे। इसमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 35,431 पे, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 35,583 पे। तो फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई थी, उसके बाद इसमें थोड़ी सी बाइंग हुई और बैंक निफ्टी बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पर जाके रुकी, और वहां से बैंक निफ्टी ने सारा दिन एक करेक्शन मोड दिखाया। लोअर लोज और लोअर हाइज बने, लोअर लोज और लोअर हाइज, यहाँ भी आप देख सकते हैं लोअर लोज और लोअर हाइज, और इसमें अच्छी खासी आज करेक्शन आ गई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड में, तो इसके अंदर भी हम शॉर्ट प्रेफर नहीं करेंगे। तो कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है 35,245 का, तो मैं वापस से रीटेस्ट होगा 35,245 का, उसके बाद जब बैंक निफ्टी ऊपर जाने शुरू होगी तब हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 35,275। और इसमें जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो होगा अराउंड 35,407। जो आपका स्टॉप लॉस होगा होगा प्रीवियस स्विंग लो के नीचे, जो होगा अराउंड यहाँ पे। और कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और उसके बाद ऊपर जाने शुरू होती है और इस लेवल को ब्रेक कर देती है 35,431 को, तो मैं वापस से रीटेस्ट होगा 35,431 का, उसके बाद जब बैंक निफ्टी ऊपर जाने शुरू होगी तब हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 35,465। और इसमें जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 35,557। तो फ्रेंड्स, इन लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट्स के ऊपर और रीटेस्ट का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये MGL का 1 आवर चार्ट है। कल सेम ट्रेड मैंने आपको ये वाली दी थी। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। ब्रेकआउट तो आया, लेकिन मैंने आपको आज बताया था कि ट्रेड आपको नहीं लेनी चाहिए। तो उसका रीजन ये है, ये कल की कैंडल है 1 आवर में, 15:15 की कैंडल है। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 1164.8, और जो आज की कैंडल ये ओपन हुई थी आज यहाँ पे, इसकी ओपनिंग थी 1170 पे, काफी ऊपर ओपन हुई थी। उसके बाद प्राइस ने कोशिश करी है गैप को फिल करने की, लेकिन गैप पूरी तरह से फिल नहीं हुआ, 1.25 पॉइंट्स का गैप रह गया। तो फ्रेंड्स, जब भी गैप रह जाता है उसे काफी ज्यादा चांसेस होते हैं गैप के फिल होने के। तो आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर तो गया था काफी, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली क्लोजिंग के टाइम तक गैप ही वाला पूरा फिल हो गया, प्राइस नीचे आ गया। तो अब हम देख सकते हैं गैप पूरा फिल हो गया, तो इसके अंदर कल हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, MGL में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 1166 पे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 1191 पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफी सारी प्राइस रिजेक्शन है, प्राइस ने काफी बार नीचे जाने की कोशिश करी, पर यहाँ पे काफी बाइंग आई है तो प्राइस बार बार ऊपर हो गया। तो कल अगर फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, जो रिस्की ट्रेड है तो सीधा ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं, जो कंजर्वेटिव ट्रेड है तो ब्रेकआउट तो रीटेस्ट की वेट करें। रीटेस्ट आप 5 मिनट चार्ट में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये गैप अप खुलता है कल फिर से, तो आपको वेट करनी होगी गैप के फिल होने की, उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा तब आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा कल वो होगा 1170 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 1188 और 1191 के बीच में अराउंड यहाँ पे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे एंड स्विंग लॉस के नीचे,
जो होगा 11144। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी ट्रेड है, ये देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स एमएनएम फाइनेंस का वन आवर चार्ट है जिसमें इसकी सपोर्ट है 160.4 पे और इसकी रेजिस्टेंस है 165 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद प्राइस अभी यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश की थी पर यहाँ पे काफी रिजेक्शन है। आप देख सकते हैं लंबी लंबी वेक्स है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे काफी डिमांड आई थी, यहाँ पे काफी बाइंग हुई और प्राइस को वापस ऊपर पुश कर दिया गया। अभी प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है तो इसको हम तब बाय करेंगे जब प्राइस इस कंसोलिडेशन से ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो होगा 161.3 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 164.3 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे, इन पूरी विक्स के नीचे, इस कंसोलिडेशन के नीचे, जो होगा 157.7। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है, ये देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स एच डी एफ सी लाइफ का वन आवर चार्ट है जिसमें इसकी सपोर्ट है 680 पे और उसकी रेजिस्टेंस है 695 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लो है, ये हायर लो है, लो उससे भी ऊपर इवन हायर लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट तक प्राइस ने वापस यहाँ पे रीटेस्ट किया है, फिर प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की है पर आज निफ्टी में काफी करेक्शन आ गई, तो इसमें भी करेक्शन आ गई और प्राइस बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे आके रुक गया। अभी आप देख रहे हैं प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो इसको हम तब बाय करेंगे जब प्राइस इस कंसोलिडेशन के ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा होगा 683.5 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा होगा 693 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे एंड स्विंग लॉस के नीचे, जो होगा 672। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम अगर इंटरडे में कोई ट्रेड आती है तो उसको मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप कोई भी ट्रेड मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।